दोस्तों भारत का नंबर वन बिजनेस आइडिया मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। जिंदगी में पहली बार देखोगे, कभी नाम भी नहीं सुना होगा। अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आप करोड़पति, लखपति, अरबपति बन सकते हो। और दोस्तों बिजनेस बहुत छोटा है, छोटी जगह से छोटा पैसा लगाकर स्टार्ट कर सकते हो। पैसे की बात करें तो मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये के अंदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर आपको करना क्या पड़ता है, नॉर्मली आपको ऐसे कट्टे पैक करने होते हैं, जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर भरना होता है आपको और कट्टे पैक करके सेल करना होता है। एक कट्टे के पीछे आपको 1 हज़ार रुपये का मुनाफा मिलता है। दिन में अगर आप 10 कट्टे 20 कट्टे 30 कट्टे सेल करते हो तो 30 हज़ार रुपये का मुनाफा मिलता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बने रहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जिस कट्टे की बात की थी कि आपको कट्टे के अंदर प्रोडक्ट भरकर मार्केट के अंदर सेल करना होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किस प्रोडक्ट, कौन से माल के बारे में हम बात करने वाले, किसके बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले। तो दोस्तों इस कट्टे के अंदर आपको अलग अलग रंग के प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए काला रंग का प्रोडक्ट, पीले रंग का प्रोडक्ट, सफ़ेद रंग का प्रोडक्ट और लाल रंग का प्रोडक्ट। आपको नॉर्मली इनको तैयार करके कट्टे के अंदर डालकर सेल करना है। दोस्तों इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। अब बहुत से लोगों को पता चल गया होगा ये प्रोडक्ट कौन सा है। अगर उनको पता चल गया है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दो कि भाई ये प्रोडक्ट ये है। दोस्तों देखिए दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत से लोगों को पता नहीं चला होगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। दोस्तों इसे बोलते हैं 1 रुपये वाली पेप्सी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 1 रुपये वाली पेप्सी, जो बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होती है। गर्मियों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस है जो गर्मियों के सीजन के अंदर करते हो तो आप पूरे साल की कमाई सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर गर्मियों के सीजन के अंदर ही निकाल सकते हो। दोस्तों देखिए आपको नॉर्मली ये जो अलग अलग प्रकार के फ्लेवर मिल जाते हैं पेप्सी बनाने के लिए, काला हो गया, काला खट्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मैंगो हो गया, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं, जैसे कि रोज़ फ्लेवर हो गया, कच्चा मैंगो फ्लेवर हो गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी जो हम बात करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे रेडी करना होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को ये प्रोडक्ट बनाना नहीं आता है। और दोस्तों सबसे पहले हम ये भी बोलेंगे कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितने पैसों में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा सरल है, हर कोई इसका बिज़नेस कर सकता है। और दोस्तों गाँवों में तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको कैसे बनाना है प्रोडक्ट और कितने पैसों में बिजनेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आपको कितना इन्वेस्टमेंट मिलता है, और प्रॉफिट की बात करेंगे। बाद में हम बताएंगे कि आपको कैसे ये माल तैयार करना है, कैसे आपको पेप्सी बनानी है। दोस्तों ये रहा एक किट, ये किट आपको एक परमार प्रोडक्ट कंपनी के पास मिलेगा। दोस्तों इस किट के अंदर क्या होता है कि ये जो पेप्सी बनाने का सारा सामान इसके अंदर आपको मिलता है, सब कुछ सामान आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैं आपको इस किट को ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ क्या क्या सामान आपको मिलता है। मतलब दोस्तों अगर आपको पेप्सी का बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 रुपये वाली पेप्सी का बिजनेस स्टार्ट करना है, नॉर्मली आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आपको ये किट खरीदना है। इस किट के अंदर आपको सब कुछ सामान रॉ मटेरियल मिल जाएगा, इसी से आप पेप्सी बना सकते हो। हमने इस किट को ओपन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलती है एक बुक, परमान प्रोडक्ट कंपनी की बुक मिलती है, जिसके अंदर आपको गर्मियों के लिए बिजनेस आइडिया मिल जाते हैं, बरसात के लिए बिजनेस आइडिया भी मिल जाते हैं और सर्दियों के लिए बिजनेस आइडिया भी मिल जाते हैं। मतलब दोस्तों आपको गर्मियों की बिजनेस आइडिया की जानकारी मिल जाती है, बरसात के बिजनेस आइडिया की जानकारी भी मिल जाती है। हम खुलते तो देखो दोस्तों 1 रुपये वाली पेप्सी बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिलती है, कैसे शुरू करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है और क्या क्या मटेरियल कितनी क्वांटिटी में डालना है। दोस्तों ये रहा रेसिपी लेटर। देखिए दोस्तों पेप्सी बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल कितनी मात्रा में डालें, मतलब आपको कितनी मात्रा में मटेरियल डालना ताकि जूस अच्छा बने, स्वाद में अच्छा लगे। तो देखो दोस्तों पानी लिखा हुआ है, यहाँ पर पानी कितना लेना है, आपको कितनी चीनी डालनी है, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ होता है। और आपको आगे जाते तो आपको अलग अलग आपको बिजनेस के बारे में जानकारी मिल जाती है। देखो दोस्तों यहाँ पर तो ये रही हमारी बुक। और दोस्तों अभी हम बात करते हैं किट के अंदर कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है। इसके अंदर आपको मिलते 3 तो रोल। अब दोस्तों ये रोल क्या काम के होते हैं, तो इन्हीं के अंदर पेप्सी भरी जाती है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का ये रोल होता है, इसी के अंदर आपको जूस को भरना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जूस भरा हुआ है। नॉर्मली आपको इस प्रकार का ड्रम की जरूरत होती है, इस ड्रम के अंदर आपको जूस को बनाकर डालना होता है और नल लगा हुआ होना चाहिए ड्रम के आगे। फिर दोस्तों ये जो आप देख रहे हो आप ये रोल, इसको रोल को यहाँ पर लगाना होता है और राउंड राउंड ऐसे करना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये जो इसके अंदर फ्लेवर भर दिया, लेमन फ्लेवर भर रहा है, वाइट कलर का फ्लेवर हमने इसके अंदर भरा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों 3 तो आपको इसके अंदर जो रोल मिलते हैं, ये देखिए दोस्तों 3 आपको रोल मिलते हैं। और दोस्तों आपको मिलते एक 3 फ्लेवर मिलते हैं आपको, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, मैंगो फ्लेवर हो गया, काला खट्टा फ्लेवर हो गया, 3 आपको फ्लेवर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों ये 3 फ्लेवर हो गए। एक आपको मिलता है प्रिजर्वेटिव। दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये है, इससे क्या होगा कि अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे अगर ये नहीं डालोगे तो प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाएगा, अगर ये डालोगे तो प्रोडक्ट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा दिन तक चलेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। 3 मिलते हैं आपको ये कलर, ऑरेंज रेड मिलता है, काला खट्टा मिलता है और मैंगो मिलता है। ठीक है, और दोस्तों एक मिलता है आपको स्वीटनर का पैकेट, एक मिलता है आपको नींबू का पैकेट।
अब दोस्तों ये क्या चीज़ है वो भी मैं आपको आगे से वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये सब सामान आपको जो माल है जो प्रोडक्ट है वो बनाने में सहायता करता है। फिर दोस्तों आपको मिलती है एक सीलिंग मशीन। दोस्तों ये सीलिंग मशीन है, ये आपको मिलती है इसके साथ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये सीलिंग मशीन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और आपको ये पूरे इंडिया के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगी परमार प्रोडक्ट कंपनी के अलावा। दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर सबसे मेन रोल होता है मशीन का, क्योंकि दोस्तों मशीन से ही आपको पेप्सी कटिंग करनी होती है, तो इस प्रकार की आपको मशीन मिलती है। दोस्तों ये हैवी एलिमेंट से बनी हुई मशीन होती है और इसकी एक साल की वारंटी भी होती है, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी, और आप नॉर्मल आराम से इससे बिज़नेस कर सकते हो। दोस्तों ये मशीन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नई है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन है। दोस्तों मैंने आपको सारा सामान बता दिया है, इसी सामान से आपको पेप्सी बनानी पड़ती है, ठीक है, इसी सामान से आपको पेप्सी बनानी पड़ती है। आप अभी हम बात करते हैं कि वो पेप्सी कैसे बनाने, क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो ये फ्लेवर है ना, इन फ्लेवर से आपको जूस बनाना पड़ता है। नॉर्मली आपको पानी लेना पड़ता है, दोस्तों इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है कितना पानी लेना है, कितनी क्या क्वांटिटी में लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ 6 लीटर पानी लेना है आपको, 6 लीटर बाल्टी के अंदर छान कर एकदम स्वच्छ पानी लेना है। फिर दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ 2 ढक्कन आपको फ्लेवर के डालने हैं। जैसे कि अगर आपको काला खट्टा फ्लेवर बनाना है, मैंगो फ्लेवर बनाना है, तो ये मैंगो फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर के आपको 2 ढक्कन उस बाल्टी के अंदर डालने पड़ते हैं। चीनी लिखा हुआ 400 ग्राम। फिर दोस्तों चीनी जो होती है, जो शक्कर होती है, वो आपको 400 ग्राम डालनी पड़ती है। फिर दोस्तों लिखा हुआ नींबू शहद 25 ग्राम। नींबू शहद क्या होता है दोस्तों, ये है नींबू शहद, जिससे क्या होता है कि जो खट्टा होता है ये बहुत, ये नींबू शहद है, इसको 25 ग्राम डालना है। फिर दोस्तों आपको डालना पड़ता है स्वीटनर, स्वीटनर डालना आपको 4 ग्राम, तो ये है स्वीटनर, ये आपको 4 ग्राम डालना है। फिर दोस्तों डालना है इसके अंदर कलर, आधा चम्मच आपको कलर डालना है, तो ये कलर होता है, ये आपको आधा चम्मच डालना है। और सिरका 1 ढक्कन, सिरका मतलब प्रिजर्वेटिव, जिससे क्या होता है कि वैलिडिटी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। फिर दोस्तों ये सब आपको सामान डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपको हिलाना है, ऐसे मतलब एकदम सारा सामान घुल जाए तब तक आपको हिलाना है। फिर दोस्तों हिलाने के बाद आपको इस प्रकार के ड्रम की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों ये ड्रम है, इस ड्रम के नीचे ऐसा नल लगा हुआ होना चाहिए, ताकि जो जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, रोल को आपको इसके अंदर डालना पड़ता है। और दोस्तों आपको पानी एकदम छान कर लेना, ताकि बिल्कुल भी कचरा अंदर ना रखे, क्योंकि दोस्तों ये खाने की आइटम होती है, तो खाने की आइटम के अंदर को एकदम ध्यान रखना पड़ता है। फिर दोस्तों इसके अंदर डालने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के राउंड राउंड करना पड़ता है। दोस्तों मैं ये सामान हटा देता हूं, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कैसे आपको राउंड राउंड करना है। दोस्तों जूस बनाने के बाद आपको इस ड्रम के अंदर जो जूस डालना पड़ता है, फिर दोस्तों ये रोल है ना, इस रोल को इस नल के यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। अटैच करने के बाद आपको नल को ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से राउंड राउंड करना है, मतलब आपको फैलाव करना है, रोल जो है उसको फैलाना है। आप राउंड राउंड भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ा स्पेस है तो आप कैसे भी कर सकते हो। नॉर्मली आपको जूस वो है जो पूरे रोल के अंदर भरना होता है, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा व्यवस्थित करना, ताकि कटिंग करने में आसानी हो। दोस्तों देखो यहाँ पर हमने राउंड राउंड तो कर दिया, फिर दोस्तों आगे के प्रोसेस के अंदर क्या करना होता है, जो किट के साथ आपको मशीन मिलती है, जो 4,000 रुपये वाला जो किट है ना, उसके साथ आपको एक सीलिंग मशीन मिलती है, ये मशीन मिलती है। इस मशीन का काम होता है, ये मशीन बहुत ही अच्छी है। क्या करना है फिर दोस्तों, ये रोल है ना, इसको यहाँ से करके कटिंग करना है। दोस्तों ये रोल हो गया अलग, ठीक है, अभी इसका कुछ काम नहीं है अभी दोस्तों, इसका काम सारा कुछ, ठीक है। दोस्तों अभी पेप्सी कैसे कटिंग करनी है, ये कत्ता क्या काम कर, दोस्तों ये है कत्ता जो किस साइज़ की आपको पेप्सी बनानी है। जैसे कि आपको 6 सेंटीमीटर की बनानी है, 5 सेंटीमीटर की बनानी है, तो उस हिसाब से आपको इसकी कटिंग करवानी पड़ती है। और नॉर्मल आपके इसके किनारे पर पेप्सी को रखना है और यहाँ से आपको कटिंग करना है। इससे क्या होगा कि सारी पेप्सी आपकी एक साइज़ की बनेगी, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर रखना है और ऐसे मशीन को प्रेस करना है और आसानी से हो जाएगा। दोस्तों ये काम बहुत ज़्यादा सरल है, हर कोई कर सकता है, इसके अंदर कोई ज़्यादा है जो नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई व्यक्ति आसानी से वीडियो देख कर ही कर सकता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार कटिंग हो रही है पेप्सी, बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्तों मैंने अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं बताया कितना प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। दोस्तों ऐसे पेप्सी कटिंग करने के बाद आपको जो इसका एक बंडल बनाना पड़ता है, कुछ इस प्रकार का, देखिए दोस्तों इस प्रकार का आपको बंडल बनाना पड़ता है। इसके अंदर आप 25 पेप्सी भर सकते हो, 20 पेप्सी भर सकते हो, 30 पेप्सी भी भर सकते हो। दोस्तों मैं खुद भी इसका बिजनेस करता हूँ और मैं इसके अंदर 25 पेप्सी भरता हूँ और मार्केट के अंदर सेल करता हूँ। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि वो कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना आपको ज़्यादा कितना मुनाफा मिलता है। दोस्तों अभी सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक पैकेट जो हम सेल करते हैं मार्केट के अंदर, ये कितने रुपए में बनकर रेडी हो जाता है, मतलब कितने पैसों में बनकर रेडी हो जाता है और क्या कॉस्ट लगती है पैकेट को बनाने की। दोस्तों ये पैकेट है जो लगभग 10 रुपये के अंदर, एकदम फिक्स प्राइस में आपको उतारो, 10 रुपये के अंदर लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला के 10 रुपये के अंदर बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप होलसेल के अंदर 15 रुपये के अंदर और रिटेल के अंदर 20 रुपये के अंदर सेल कर सकते हो। मतलब दोस्तों आपको लगभग जो 50% प्रॉफिट मिलता है इस बिजनेस के अंदर। और दोस्तों अगर आप दिन में ऐसे 40-50 कट्टे सेल कर लेते हो, तो आप आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये की कमाई दिन की कर सकते हो। दोस्तों बहुत ज़्यादा सरल बिजनेस है। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि
किट, जो किट बताया था मैंने आपको 4000 रुपये वाला किट, वो कहाँ पर मिलेगा? परमार प्रोडक्ट कंपनी के पास आपको मिलेगा। उसके अंदर सारा आपको सामान मिलेगा, सारा रॉ मटेरियल मिलेगा पेप्सी बिजनेस स्टार्ट करने का। आपको बाहर से कोई भी आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप उस किट को खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, उस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों वो नंबर पर्सनल मेरा है, अगर आपको पेप्सी बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई डाउट रह गया हो, तो उस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों किट खरीदने के लिए भी आप कॉल कर सकते हो। दोस्तों अगर कॉल बिजी आता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।